कि एक बड़ी संख्या में पुलिस वालों को ले जाकर के एक पूरे देश में भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि विपक्ष के लोग अगर कोई अडानी के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे तो उनको इसी तरह कुचलने का काम भारत की केंद्र सरकार करेगी। और वो पुलिस का एक पूरा छावनी बना करके आदरणीय राहुल गांधी जी को के से पूछताछ करने की कोशिश की गई। सच्चाई ये है कि रोज दिल्ली में घटनाएं घट रही है, जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं उसका उद्भेदन नहीं हो पाता है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कब किस सड़क पे किस मोड़ पे महिलाओं ने अपने दुख दर्द को उनसे साझा किया था, वो इस नाते कि वो हमारे ये सोचते हैं और हमारे लिए निकले हैं सड़कों पर, तो उस नाते उन्होंने बात कही थी और उस बात को एक पुल देने के लिए और कहीं ना कहीं जो अडानी के घोटाले हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का एक प्रयास किया गया। उस प्रयास का हम पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन का कार्यक्रम करके विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के तानाशाही रवैये से देश नहीं चलेगा। आपके कारण जो आपकी और अडानी की यारी है देश पर भारी पड़ रही है, हम उसका विरोध करते आए हैं, करते रहेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे, लड़े हैं लड़ते रहेंगे। मित्रों के खिलाफ बोलता है, आम आदमी के लिए बोलता है, छात्रों के लिए बोलता है, दलित के लिए बोलता है, युवा के लिए बोलता है, महिलाओं के लिए बोलता है, ये सरकार को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिनके दामन में कोई दाग नहीं है, जो नजर से नजर मिला के मोदी को, अमित शाह को, आरएसएस को ललकार रहे। उन्हें बताना चाहते हैं कि जितना भी आप देश को भटकाइए, ये देश गांधी का है, उनके पद चिन्हों पर चलेगा, ये देश गोडसे का नहीं है। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा किया, आप देखेंगे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग कूद पड़े, जनसलाब उमड़ पड़ा। उसी बीच किसी महिला ने शायद उन्हें अपने दिल की व्यथा सुना दी, जो राहुल गांधी ने कहीं चर्चा की अपने किसी इंटरव्यू में, उस बात को दिल का ताड़ बना के कल भारी संख्या में पुलिस को ले जाके पूरे देश में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। और कोई काम नहीं है पुलिस के पास। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ अप्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं, हम गलत जवाब दे रहे हैं, चाय दुकान पे गलत चर्चा हो रही है, राजनीतिक ऑफिस में गलत चर्चा हो रही है। अभी अडानी अंबानी के द्वारा LIC और SBI के जो पैसों का घोटाला हुआ, इसमें कि आज 22 करोड़ लोगों ने LIC में पैसा जमा किया है, उस पर खतरा है। यह मुद्दा जब देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने लाया, तो इस देश को इस मुद्दे से भटकाने के लिए राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट के पीछे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। आपके BBC ने मोदी जी की असलियत को दिखाने के लिए एक सिनेमा, क्या बोलते, डॉक्यूमेंट्री लाई, आपके BBC के ऊपर छापा पड़ गया। अरे अब जागिए, ये जागने का समय है, अब नहीं तो कब? सवाल पूछेंगे तो ये मारेंगे कि हम डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी और 2-4 हजार पुलिस भेज दे, आर्मी भेज दे, हम सबके घर में भेज दे, कोई रुकने वाला नहीं है। इस देश की जनता के सवालों पे हम लड़ते रहेंगे।